हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक वीडियो यहाँ पर ऑलरेडी अपडेट हो गई है। ओके, इस वीडियो को जाके यहाँ पर देख लीजिएगा। स्मॉल कैप, मिड कैप और जो शेयर गिरते हुए नजर आ रहे हैं बेहतरीन तरीके से, वो ही रिकवर होने वाले हैं और रिकवर होकर भागने वाले हैं। क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे की वजह ही इस पूरी वीडियो में आपको मिल जाएगी। 12 मिनट की वीडियो है, जाके देख लीजिएगा। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किससे रिलेटेड। हम बात करने वाले हैं AMI Organics से रिलेटेड। AMI Organic आज के दिन में 15.65 मतलब 15.65% यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया। तो अगर हम बात करें इतना गिर गया है तो ये चार्ट पैटर्न मुझे कुछ याद दिलाता है। ओके, ये चार्ट पैटर्न में एक शेयर से रिलेटेड एग्जांपल दूंगा, क्योंकि आप जब काम करते हैं ना तो ऐसे बहुत सारे चार्ट पैटर्न आपके माइंड में रहते हैं जहां पर लोग ना खरीदने से डर जाते हैं। और यहाँ पर आप लोग मत खरीदिए, मैं खरीदूंगा। और क्यों खरीदूंगा, उसके पीछे की रीजन बताऊंगा और आप खुद समझ जाएंगे। ओके, लोग यहाँ पर कह रहे हैं 15% गिर गया, 16% गिर गया। मैंने कमेंट अभी तक नहीं पढ़े, बट मैंने ऊपर से देखा था। तो कोई कह रहा है कितने आएगा, कोई कह रहा है कितना आएगा, वो हमेशा कहते रहते हैं लोग, जिसने कहना होता है। तो देखिए, मार्केट में गिरावट है तो ऐसा कोई स्टॉक्स नहीं है जो यहाँ पर गिरता हुआ नजर ना आए। अगर ये शेयर गिरा है तो हमने कल की डेट में यहाँ पर एक शेयर बनाया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं 50% डाउन है। ओके, ये शेयर 8% आज की डेट में भागता हुआ भी दिखाई दिया है। तो बहुत सारे शेयर गिरते भी रहते हैं, भागते भी रहते हैं। ये इनका एक नेचर है। इट इज द नेचर ऑफ द स्टॉक्स टू गो अप एंड गो डाउन। तो अगर बात करें, ऊपर जाना नीचे जाना एक नेचर है और उस नेचर को यू कांट प्रेडिक्ट, यू कैन ओनली इन्वेस्ट। ओके, आपको पता है चीजें अच्छी है, उसी के हिसाब से आप यहाँ पर खरीदते हैं, उसी के हिसाब से आप यहाँ पर बेचते हैं। तो यहाँ पर इसके जैसा एक चार्ट पैटर्न कुछ टाइम पहले, आज से 3 महीने पहले एक बनता हुआ नजर आया था और उस शेयर को मैंने यहाँ पर बाइंग किया था और उसके बाद पैसा कितना होता हुआ दिखाई दिया, डबल होता हुआ दिखाई दिया था। 120% के रिटर्न मिले थे। वैसे ही उस शेयर से रिलेटेड बातें करेंगे, जानेंगे। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरह की वीडियो डेली बेसिस पे मिलती रहे और आपको नॉलेज मिलती रहे, सीखने का मौका मिलता रहे। शेयर बाजार में गिरावट और ये सब चीज चलती रहेगी। आपको बस प्रेडिक्ट करना है, सीखना है। सीख के आपको कब एग्जिट करना है, कब एंट्री लेनी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दैट्स इट। तो अगर आपको हमारी पर्सनल सर्विस चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, अब वहां पर पिंग करिए, बात करेंगे और यहाँ पर अच्छे खासे पैसे साथ में मिलकर कमाएंगे। बाकी किसी को नहीं लेनी कोई सर्विस, कोई इशू नहीं है। वीडियोस को जाइए, देखिए, सीखिए, लर्न करिए, अपने हिसाब से भी करिए। बाकी हम भी यहाँ पर स्टॉक्स बताते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि हम केवल वही बताते हैं। यहाँ पर भी आपको अच्छे स्टॉक्स बताते हैं और ऐसे स्टॉक्स बताते हैं जो मार्केट में भी 8% भागते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर AMI Organic की। AMI Organic यहाँ पर देख सकते हैं आज के दिन 15.82% यहाँ पर गिरावट, 189 पॉइंट्स की गिरावट। इसका 52 वीक लो की बात करें 14 सितंबर को था, हाई की बात करें 1434 रुपए यहाँ पर 12 सितंबर को था। हम यहाँ पर और भी कुछ चीज देखते हैं तो 45% की यहाँ पर आज के दिन में डिलीवरी उठाई गई है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और पैरामीटर्स देखे, रिजल्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। यहाँ पर देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग क्या है, वो सब चीज देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर बिजनेस मॉडल, कंपनी करती क्या है, वो सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है। अगर वो चीज जानेंगे, वो चीज समझेंगे तो आपको चीजें समझती हुई नजर आएगी। AMI Organic Limited, वन ऑफ द लीडिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट ड्रिवन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेशलिटी केमिकल्स। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी काम करती है स्पेशलिटी केमिकल्स में, कंपनी काम करती है फार्मास्यूटिकल्स में, कंपनी काम करती है एपीआईज में, फॉर न्यू केमिकल एंटाइटल्स एंड मटेरियल फॉर एग्रोकेमिकल्स एंड फाइन केमिकल्स, एग्रोकेमिकल्स, न्यू केमिकल्स एंटाइटल्स, मटेरियल्स फॉर, अगर बात करें ये सारी चीजों में कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है। और अगर हम पर देखे तो केमिकल्स और फार्मा दो स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि यहाँ पर पिछले सबसे ज्यादा भागे और अगर हम देखें सबसे ज्यादा रिटर्न दी है। और जब सबसे ज्यादा रिटर्न कोई चीज दे देती है तो वहां पर कहते हैं ना, गेहूं के साथ में गुण भी पिसता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब अच्छे यहाँ पर सारे स्टॉक्स अच्छे खासे भाग लिए, अच्छे खासे वैल्यूएशन पे कुछ नए स्टॉक्स आ रहे हैं तो उनमें करेक्शन लाजमी है। और जब एक बार करेक्शन होगा तो यही स्टॉक्स दोबारा भागते हुए दिखाई देंगे, पहली बात। दूसरी बात, 14 ईयर्स की लेगेसी है एज वेल एज यहाँ पर बात करें डेवलपमेंट एंड कमर्शलाइज ओवर 450 यहाँ पर अगर दे रखा होगा तो एक बार देखते हैं पूरी की पूरी। हम देखिए 450 फार्मा इंटरमीडिएट्स में कंपनी काम करती है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इससे रिलेटेड 150 कस्टमर्स हैं इंडिया में और 25 कंट्रीज में ओवरसीज में कंपनी काम करती हुई नजर आती है। फार्मा से 88% इनका रेवेन्यू आता है, स्पेशलिटी से 4.87% का यहाँ पर आता है। तो और इसके अलावा बात करें यहाँ पर देखिए, कंपनी का रेवेन्यू सबसे ज्यादा फार्मा से आता है। तो फार्मा के बिजनेस में फार्मा अभी चल ही नहीं रहे, ओके, जब वो चलना शुरू करेंगे ऑब्वियसली बात है ये शेयर फिर दोबारा भागना शुरू करेंगे। इसके अलावा कस्टम मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी काम करती हुई नजर आती है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर अगर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी गुजरात में है, यहाँ पर देख सकते हैं इनकी कैपेसिटी कितनी है। इंक्रीजिंग शेयर इन ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल मार्केट में इनके अगर बात करें इनकी शेयर्स की बात करें इंक्रीजिंग शेयर्स मतलब इनकी जो बिजनेस है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यूएस, चाइना, इजराइल सभी के साथ में बिजनेस करते हैं। एक्सपोर्ट अकाउंटेड फॉर 51.5% ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यहाँ से इनका अच्छा खासा पैसा बनता हुआ नजर आ रहा है। क्लाइंट की बात करें तो यहाँ पर बड़े बड़े यहाँ पर जितने भी शेयर है ये सारे के सारे शेयर्स भी है, कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज भी है, सारी बड़ी बड़ी कंपनी है। ये सारी के सारे कौन है, इनके कस्टमर्स है पहली बात। फिर यहाँ पर बात करें कंपनी के, अच्छा खासा सब कुछ अच्छा खासा नजर आ रहा है। ग्रोथ स्ट्रेटेजी की बात करें कंपनी यहाँ पर यूएस एफडीए से अप्रूवल मिल रहा है बहुत सारी चीजों को। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड इनका है, आईपीओ में आता हुआ दिखाई दिया था। तो यहाँ पर सारी चीज अच्छी नजर आ रही है। एक बार इनकी वेबसाइट पर चले जाते हैं एक बार इनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो और भी बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। यहाँ पर देख सकते हैं AMI ऑर्गेनिक से रिलेटेड चीजें आपको यहाँ पर समझ में आती हुई दिखाई देगी। AMI ऑर्गेनिक आर्मेशन यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर दे रखा है। देखिए 150 प्लस सेटिस्फाइड कस्टमर, 450 कमर्शियलाइज्ड प्रोडक्ट, 225 प्लस मार्केट प्रेजेंस इन कंट्रीज, 11 प्लस अप्लाइड पेटेंट्स से रिलेटेड ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। कंपनी यहाँ पर क्या बेकार नजर आती है, बिल्कुल भी बेकार नजर नहीं आती। प्रोडक्ट की बात करें ये सारे इनके प्रोडक्ट है मेक टू ऑर्डर, यहाँ पर ये सारे स्पेशलिटी केमिकल्स फार्मास्यूटिकल्स में कंपनी काम करती हुई नजर आती है। तो एक बार इनकी वेबसाइट पर जाइएगा, समझिएगा। अब बात करते हैं फाइनेंशियल्स की। तो गिरता हुआ नजर आया, लोगों को पसंद नहीं आया इसके रिजल्ट। ओके फाइन, बहुत सारी चीजें होती है जो लोगों को समझ में नहीं आती, बट जो चीज समझ में नहीं आती कभी गिरती हुई नजर आती है। थोड़ा सा टाइम होता है, जैसे आप कोई भी न्यूज मार्केट में चलती है और मार्केट में चलने के बाद 5-10 दिन उसका बवंडर बनता है और बवंडर होने के बाद वो दब के रह जाती है, फिर उसके बारे में नो वन टॉक्स। तो अगर उसी तरीके से यहाँ पर एस्टिमेट बेशक से बीट ना की हो, अगर अच्छे नहीं लगे कोई परेशानी नहीं, इसी शेयर को दोबारा लोग खरीदते हुए दिखाई देंगे और यहाँ पर डबल होता हुआ दिखाई देगा पैसा। ROC ROE की बात करें सबसे बेहतरीन 3238 के ROC की चीजें कौन लेना पसंद नहीं करेगा, मैं लेना पसंद करूंगा। डेट की बात करें यहाँ पर डेट फ्री कंपनी है, कोई प्लेजिंग नहीं है, 10 का फेस वैल्यू है, हाई से यहाँ पर 1000 रुपीज पे आ गया शेयर। स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी भागती भी तेज है गिरती भी तेज है, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। 80 के PE पे चल रही है, PE पे हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि पीई ऐसे ही चलता है, पीई के देखने जाओगे तो कभी शेयर ही नहीं खरीद पाओगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर रिजल्ट की। रिजल्ट आपको कहाँ से अच्छे नहीं लगे, सेल्स यहाँ पर ईयरली बेसिस पे बढ़ रही है, हमेशा ईयरली बेसिस पे हमेशा चीजें चेक किया करें ईयर, क्योंकि क्वार्टरली बेसिस पे कभी ये होता है इस क्वार्टर में अच्छा किया कभी उस क्वार्टर में अच्छा किया, बट ईयरली बेसिस पे पिक्चर क्लियर होती है। 91 करोड़ से 122 करोड़, फिर भी क्वार्टरली बेसिस पे भी आप देखेंगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। नेट प्रॉफिट 15 करोड़ का 17 हुआ, ईयरली बेसिस है 14 करोड़ का 17। तो यहाँ पर आपको ये ग्रोथ नजर आ रही है कि नहीं, यहाँ पर प्रॉफिट हाईएस्ट एवर यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं। इसके अलावा ईयरली बेसिस पर बात करते हैं 160, 188, 240 और इसके बाद 341। तो यहाँ पर हर ईयर में इन्होंने ग्रोथ दिखाई है। 12 करोड़ से लेके 54 करोड़ की यहाँ पर ये नेट प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है, वो भी ईयरली बेसिस पे। यहाँ पर परफॉर्मेंस बेहतरीन, क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर परफॉर्मेंस बेहतरीन, मैनेजमेंट अच्छा खासा काम कर रहा है। रिजर्व की बात करें, रिजर्व 37 करोड़ का 445 करोड़, बोरिंग 27 करोड़ की 137 करोड़ की बोरिंग मार्च में थी और अभी 11 करोड़ की रह गई है। तो कितनी बोरिंग इन्होंने कम करी है, 100 करोड़ से ज्यादा की बोरिंग कम कर दिया। और इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा है। कैश की बात करें, कैश इनका 3 करोड़ से 102, मतलब कैश बढ़ गया, रिजर्व्स बढ़ गया है, बोरिंग कम हो गई है। और क्या चाहिए, कंपनी की जान लोगे क्या आप। इसके अलावा बात करें यहाँ पर ROC की, ROC यहाँ पर बेहतरीन, ROC जो 27 का था वो 33 का चल रहा है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 41.05%, FIs 2.51%, DIs 6.3%, पब्लिक की 50%, बट ये 50% नहीं है। और 50% में से कितने बड़े बड़े नाम है वो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए 8, 16, 17, ओके। यहाँ पर बात करें यहाँ पर 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 मतलब 31-32% की हिस्सेदारी यहाँ पर नजर आती है। और यहाँ 32 मतलब 18% की होल्डिंग है जो रिटेल के पास है, और रिटेल में भी बड़े बड़े लोग यहाँ पर शामिल होंगे। आप और मैंने केवल 5, 10, 15, 20, 50, 100 शेयर ले रखे होंगे, आप और मैंने 1000 शेयर 2000 शेयर नहीं ले रखे होंगे, तो वो चीज समझने की जब बात है। इसके अलावा बात करते हैं बड़े इन्वेस्टर्स। आशीष कचोलिया, इनका नाम सुना है, इन्होंने मल्टीबैगर स्टॉक चुनते हैं, मल्टीबैगर स्टॉक चुन के यहाँ पर पैसा कमा के निकल जाते हैं। तो ये 1.35% की होल्डिंग ले रखी है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ही यहाँ पर नजर आते हैं। तो सब चीज तो यहाँ पर अच्छी खासी नजर आती है। अब बात करते हैं चार्ट पैटर्न की आज के दिन में 15% यहाँ पर गिरता हुआ। अब बात करते हैं एक ऐसे स्टॉक से रिलेटेड जो यहाँ पर इसी तरीके के रिजल्ट के बाद गिरता हुआ दिखाई दिया, लोगों ने देखना शुरू नहीं किया, जब वो भाग गया टॉप पे पहुंच गया लोग वहां पर फंस गए। हम यहाँ पर कौन सा शेयर है, नजारा, नजारा टेक्नोलॉजी की मैं बात करूंगा। नजारा टेक्नोलॉजी की अगर हम यहाँ पर देखें, इसके यहाँ पर रिजल्ट आए थे, रिजल्ट आने के बाद कोई भी यहाँ पर शेयर को देख नहीं रहा था। ओके, यहाँ पर शेयर अच्छा खासा गिरता हुआ नजर आया, 1600 रुपए पे शेयर नजर आया, 1600 रुपए पे आपको कहा था। इससे पहले यहाँ पर भी आई थिंक कि इसके रिजल्ट आते हुए दिखाई दिए थे, यहाँ पर फिर शेयर यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया था। यहाँ पर आपको कहा था बाय ऑन डिप्स करिए, तब कोई यहाँ पर बात नहीं कर रहा था, तो यहाँ पर कोई बात नहीं कर रहा था, यहाँ पर कोई बात नहीं कर रहा था, और शेयर यहाँ पर 1600 का कितना हो गया, यहाँ पर 3300-3400 हो गया। जब 3300-3400 पे लोग अभी फंसे हुए हैं, अब यहाँ पर शेयर गिर रहा है तो लोग कह रहे हैं कि हम यहाँ पर फंसे। अरे यहाँ पर जब शेयर था, यहाँ पर जब बताया जा रहा था, अच्छी चीजें थी, अच्छे रिजल्ट थे, सब कुछ अच्छा नजर आ रहा था, तब आपने लिया नहीं। अब यहाँ पर आप फंस गए हैं, तो आप कह रहे हैं यहाँ पर हम फंस गए हैं। तो यहाँ पर फंसने का रीजन क्या है, आपने चीजें सही टाइम पे नहीं ली। आप यहाँ पर जब रैली होती है ना, तब आप यहाँ पर लेने की कोशिश करते हैं, आप यहाँ पर नहीं लेते, तो यहाँ पर सबसे बड़ी गलती यही होती है। तो हम यहाँ पर बात करें एमई ऑर्गेनिक की। एमई ऑर्गेनिक के रिजल्ट अच्छे खासे हैं। ओके, बाजार को क्या पसंद आया क्या पसंद नहीं आया डजेंट मैटर। ओके, थोड़ा बहुत टाइम की बात है, दोबारा इसमें बाइंग आएगी, और जब इसमें बाइंग आएगी ये शेयर यहाँ पर डबल होता हुआ नजर आएगा। 1000 रुपये पे शेयर चल रहा है, 2000 का इसका टारगेट है, इसे आकर लिख लीजिएगा। 6 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर ये टारगेट अचीव होता हुआ नजर आएगा। कोई चीज जल्दी यहाँ अचीव होती है, थोड़ा यहाँ किसी में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगली बार इसके रिजल्ट और बेहतरीन आते हुए नजर आएंगे, गोली होता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सपोर्ट की, तो सबसे पहला सपोर्ट 844 रुपए का, 844 रुपीज का, जो कि यहाँ पर इसका इससे जब ये जिस दिन आया था वहां पर, तो यहाँ तक गिर सकता है, तो इसके लिए भी प्रिपेयर रहिएगा। तो यहाँ पर अगर किसी ने ले रखा है तो बाय ऑन डिप्स करने की रणनीति अपनाइएगा। जब नीचे थोड़ी सी और गिरावट हो ले तो यहाँ पर थोड़ी सी किस्त बढ़ा दीजिएगा। चीजें जब बढ़ती हुई नजर आएगी, भागती हुई नजर आएगी, तो यहाँ पर दोबारा चीजें चलती हुई नजर आएगी। और अभी 2 कारण से ये गिरा है, लोगों को इसके रिजल्ट पसंद नहीं है इसलिए गिर गया, दूसरी बात फार्मा केमिकल के स्टॉक गिर रहे इसलिए गिर गया, तीसरी बात मार्केट यहाँ पर क्रैश होता हुआ नजर आया आज के दिन, तो ये भी गिर गया। तो सब चीज जब एक ही दिन में होती हुई नजर आएगी, रिजल्ट का इम्पैक्ट एज वेल एज मार्केट क्रैश और केमिकल फार्मा के स्टॉक्स गिरते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता हुआ नजर आएगा। तो 15% ये शेयर यहाँ पर क्रैश होता हुआ नजर आया। कोई इशू नहीं है, बाय ऑन डिप्स करने की रणनीति अपनाना, और जब अच्छे रिजल्ट आएंगे तो ऑब्वियसली बात है ये शेयर भागेगा। और मेरा टारगेट इसका 2000 रुपए का है, जो कि सूनर और लेटर एक बार मार्केट दोबारा भागने शुरू करेगी, जो कि आता हुआ दिखाई देगा। तो अभी FIs पैसा निकल रहे हैं तो मार्केट गिर रही है, FIs पैसा डालना शुरू करेंगे तो इन्हीं स्टॉक्स में डालेंगे, दोबारा ये शेयर भागते हुए नजर आएंगे। तो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन है नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना। वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर करना, हमें हो सके जितना सपोर्ट करना। अच्छी चीजें अच्छे लेवल पर लोगे तो समझने की कोशिश करोगे तो अच्छे तरीके से पैसा कमाते हुए नजर आएंगे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।